महोदया 150 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी गरीब है, आधी आबादी गरीब है कि सरकार 75 से 80 करोड़ गरीबी परिवार से नीचे बसर करने वाले लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं महोदया, जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं उन्हें आप 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं और उसके बदले में उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई GST के रूप में आप उनसे वसूल ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है महोदया। और एजुकेशन बजट दर प्रतिदिन कम करते जाते हैं, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे इस पर स्पष्ट नीति सरकार की इस बजट में नहीं दिखती है महोदया। कमर तोड़ जो महंगाई है उस महंगाई को ये सरकार कैसे कम करेंगे उस पर सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है महोदया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बिहार के प्रति ये डबल इंजन की सरकार की नीति को दर्शाता है कि बिहार के विकास के प्रति ये कितना गंभीर है डबल इंजन की सरकार, जबकि महोदया बिहार के बदौलत ही आज ये केंद्र की सरकार चल रही है। यह सरकार भावनाओं को जगाकर कैसे राज करती है मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। गरीबों से वोट लेकर फिर उनको और पीछे ढकेल कर महोदया 150 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी गरीब है, आधी आबादी गरीब है और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं महोदया। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार 75 से 80 करोड़ गरीबी परिवार से नीचे बसर करने वाले लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं महोदया। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे महोदया, आप जिन 80 करोड़ आबादी को जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं उन्हें आप 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं और उसके बदले में उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई GST के रूप में आप उनसे वसूल ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है महोदया। किस तरह का सरकार गरीब के साथ न्याय कर रही है हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि छात्रों की बात करते हैं, वोट लेते हैं और एजुकेशन बजट दर प्रतिदिन कम करते जाते हैं, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे इस पर स्पष्ट नीति सरकार की इस बजट में नहीं दिखती है महोदया। कमर तोड़ जो महंगाई है उस महंगाई को ये सरकार कैसे कम करेंगे उस पर सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है महोदया। दक्षिण बिहार में सुखाड़ वाले क्षेत्र के किसानों को ये कैसे निजात दिलाएंगे इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है महोदया। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदया, जो गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, हमारे भारत में एक जातियों का समूह है और इन जातियों का लाभ तभी हो सकता है जब जनगणना जातीय आधारित हो और 65% आरक्षण देकर 9वीं अधिसूची में उसे शामिल किया जाए महोदया। हम निश्चित तौर पर कहेंगे महोदया कि जो ये सरकार गरीबी की बात करती है और गरीबी कल्याण के लिए महंगाई हम कैसे दूर करेंगे उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है महोदया।